गया तब तक वो दम तोड़ चुका था हॉस्पिटल में पहुंचे। उस बच्चे का पोस्टमार्टम करके दाह संस्कार भी हमने ही किया था, कुछ भी नहीं किया हमने। और मुझे लास्ट एग्जाम का झूठा मुकदमा लगा के मुझे जेल में डाला। 38 दिन तक मैं जेल में रहा। राजेंद्र गुड्डा तो जेल के बाद में फिर खड़ा हो गया, आपके सामने आ गया, लेकिन वसुंधरा के समाचार परमानेंट समाप्त हो गए, परमानेंट समाप्त हो गए। अशोक जी गहलोत भी बुरे काम कर रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, माफी मांग ले वापिस आ जा। अरे गहलोत जी, आपको मैंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया था, आज से 11 महीने पहले आपने सरकार बचाई, आपकी सरकार 2 बार बनाई, आपके कहने से 6 बार राज्यसभा का वोट डाला, 2 बार राष्ट्रपति का वोट डाला। गुड्डा जब तक जिंदाबाद था बहुत बढ़िया, गुड्डा तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए, सीएम कह रहा था गुड्डा तेरे को हॉलीवुड पिक्चर में होना चाहिए। जब फांसी लग रही थी राजेंद्र गुड्डा ने डायरी निकाली, और आज कह रहा है गुड्डा अच्छा आदमी नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है राजेंद्र गुड्डा को। गहलोत साहब आप जेल में डालने में आपको वेलकम करता हूं, वसुंधरा से जाके पूछ लेना। वाशिंग पाउडर निर्माण के अंदर एक ऐड आता डाल डाल ढूंढ कर जाओगे। मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत के सदा सदा के लिए समाचार समाप्त हो जाएंगे, डाल अशोक गहलोत को ढूंढ कर जाओगे। अशोक गहलोत जैसे नेता हुआ करता था, 36 कौम का आशीर्वाद है। दुख सुख में बीच में रहता हूं, कोई भी कार्यक्रम है तो हर नौजवान की जेब के अंदर राजेंद्र गुड्डा, 36 कौम के विश्वास का नाम राजेंद्र गुड्डा है। सारे बहन राम राम, मैं सुनील ते देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। बजावा रावत काके मायने आज ऊंट गाड़ा रैली, जो महिलाओं के सम्मान के लिए राजेंद्र गुड्डा की तरफ चलाया जा रहा अभियान है, इक मायने ईशा और मनसा कंवरू जो बातचीत हुई। सच बोलने के कारण रहे जी, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे पहले भी कि आपको पेपर लीक पे नहीं बोलना, आपको महिला पे जो अपराध हो रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, सरकार जो अपने काम पे फेल हुई है उन पे उनको कुछ नहीं बोलना। ये बातें रहीं और उन्होंने सच बोल दिया जैसा वो बोलते आए हैं, और इसलिए वो आज मंत्री। नारी सम्मान का मेन मुद्दा छाया था कि नारी सम्मान को लेकर उनको बर्खास्त किया गया, नारी के मामले पे उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था कि मणिपुर में जो अश्लील घटना हुई थी उस पर उनको निंदा थी, उन्होंने कहा कि उनको निंदा है, पर अगर हम राजस्थान की विधानसभा की बात करें, राजस्थान की विधानसभा जहाँ पे इतने सारे लोग ये इकट्ठे होकर जाते हैं, चुने हुए लोग जाते हैं, जो सारी जनता इनको भेजती है, अपना काम करने जाते हैं, वो अपना काम वहाँ नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने कहा कि महिला का जो हम वहाँ की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जी जी मनसा, क्या कदम रहेंगे अगले मंत्री गुड्डा जी के, जिस प्रकार बात करें आप भी उनके साथ सकते हैं, कैसा क्या है? अब स्टेप्स तो ये रहेंगे कि जनता में जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, जितना मिल सकते हैं उतना मिलेंगे, उनको सक्रिय करेंगे कि क्या गलतियां हुई है, उन्होंने क्या बोला है, और गांव-गांव जाके ये बातें होंगी। अभी आज इसके बाद में छऊ है और 3-4 गाँव और हैं, ऐसे चलेगी बढ़िया यात्रा। आपकी भी कभी चर्चा होती थी पापा के साथ लाल डायरी? लाल डायरी की चर्चा मतलब सरकार को गिराने वाली चर्चा है, आपकी चर्चा नहीं होती थी? देखिए इस पे जो हुआ वो पापा ने बोला भी था कि अशोक जी गहलोत ने उनको ये कहा था कि आपको हॉलीवुड में होना चाहिए जी, तो हॉलीवुड में होना चाहिए, उन्होंने ऐसे काम किए थे और राजपूत का धर्म निभाया था, जो अपनी सेना के हिसाब से जो सेनापति कहता है वो सेना करती है, तो उन्होंने वो काम किए वहाँ पे। और पापा के साथ गलत हुआ, ये पापा के साथ बहुत गलत हुआ, और पापा के साथ गलत, पापा से ज़्यादा गलत जनता के साथ गलत हुआ, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, युवा के साथ गलत हो रहा है। ये जो पेपर लीक होते हैं, जितनी बार ये जो युवा इतनी मेहनत करके, मैं देखती हूँ मेरी खुद की आंखों से कि ये युवा इतनी मेहनत करके पेपर देने जाते हैं, आगे जाके पता चलता है पेपर लीक हो गया जी। उदयपुर वाटी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? उदयपुर वाटी की जनता से यही अपील है मेरी कि महिलाओं से, युवा से यही अपील है मेरी कि इस कल एक और यात्रा निकलेगी गुड़ा से,
गुड़ा में निकलेगी वो यात्रा टीटन वहाँ से गुड़ा में, और उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और अपना मान सम्मान बढ़ाएं। जी जी, इस प्रकार से हम बात करें कि मंत्री गुड़ा साहब लगातार तरीके से आपके गाँव में जा रहे हैं, कैसा इस रैली के दिन से? बहुत शानदार, शानदार, बहुत शानदार। आज ये उत्साह देखो ना आप, इतना महिलाओं में, इतने छोटे छोटे बच्चों में भी आ रहा है जोश कि गुड़ा के साथ में गलत हो गया। आज विधानसभा में जो मुद्दा गुड़ा साहब ने उठाया उसको, उस मुद्दे को दबाया जा रहा है, सरकार दबा रही है कि गुड़ा पे अन्य ने उठा रहे हैं केस कि गुड़ा को ऐसे हम जेल में डाल देंगे, वो डाल देंगे। तो गुड़ा को जेल में डालोगे उससे पहले तो हमारी उदयपुरवाड़ी की जनता चली जाएगी जेल के अंदर, जेल भर जाएगी, गुड़ा को जाने नहीं देगी, इतना लाड प्यार करती है उदयपुरवाड़ी की जनता। जी निशा जी, हम बात करें कि मंत्री गुड़ा को ये हटाने का तो एक बहाना था, एक और कोई कारण रहे हैं जिसके कारण इनको हटाना पड़ा? क्योंकि 14 सेकंड का वो वीडियो जिनको लेकर इन्होंने नारी के सम्मान में जो बातें बोली, ये हटाने का कोई मुद्दा था या कुछ और बातें थी? देखिए ये वहाँ सच बोले हैं ना, सच बोले हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनकी तो लाला चौपड़ी करो तो वो ठीक है, और जो विधायक है मंत्री है वो नहीं बोले ना जी। तो गुड़ा बोले तो गुड़ा को मंत्री से बर्खास्त कर दिया। बाकी लाल डायरी की चर्चा आपके साथ भी कभी हुई? हुई थी। हाँ। अच्छा, इसके पन्ने कब खुलेंगे लाल डायरी? मैं आपको बताऊं कि लाल डायरी का तो मुद्दा, अगर उनको ये लगा कि ना अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सफेद है ये बिल्कुल, तो फिर मंत्री साहब को वहाँ टेबल करने देते जी, क्यों नहीं करने दिया? भाई उसमें कुछ भी नहीं है तो मंत्री जी बोल रहे सेकंड डायरी भी है मेरे पास। बिल्कुल। अच्छा, उसके पन्ने कब खुलेंगे? वो गुड़ा साहब बताएंगे। थैंक यू। ये थे निशा गुड़ा जी। वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। वीडियो ने शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो के बारे में थारी के राय है कमेंट जरूर करें।